देश दुनिया के साथ झारखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बाढ़ सी आ गई है। पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो मरीजों की संख्या बढ़कर दोगुनी से ज्यादा हो गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इनके माथे पर चिंता की लकीर साफ देखने को मिल सकती है। और अब जब राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी आई है, तब झारखंड सरकार इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। ऐसे में एक बार फिर राज्य में सत्ताधारी और विपक्ष के बीच घमासान भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे राज्य में भी राजनीति गर्म हो गई है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने वर्तमान स्थिति के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संख्या में बढ़ोतरी का कारण केंद्र सरकार की विफलता है। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो कोरोना के पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है, मैं इसे विशुद्ध रूप से मानता हूँ कि ये केंद्र सरकार की विफलता का ही एक बड़ा कारण है। क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये लॉकडाउन करने की बात कही, उससे पहले इन्होंने वर्कआउट नहीं किया। इन्होंने न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया को समझने का काम नहीं किया। हड़बड़ी में सस्ती लोकप्रियता के कारण जो है, बिना कोई रणनीति बनाए, कोई स्ट्रेटजी बनाए हुए, इन्होंने जो है तुरंत जो है लॉकडाउन कर दिया। वहीं झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी चूक हुई है और देश में ये स्थिति पैदा हुई। तो ये एक चिंताजनक है और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी चूक हुई है। निश्चित तौर पर अब दूसरे देशों को भी हमने लिए हैं अगल बगल में खबर, जो न्यूज़ के माध्यम से हुआ कि जहाँ भी लॉकडाउन हुआ उससे कम से कम 10 दिन पहले लोगों को इत्तला कर दिया गया था कि आप अपना घर वापस हो सकते हैं। ऐसा काम नहीं हो पाया और जिसके फलस्वरूप हम लोग का उसका सभी राज्य के लोगों को भूलना पड़ रहा है। इधर राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रही है, जबकि राज्य सरकार का मैनेजमेंट ही पूरी तरह से फेल है और केंद्र सरकार से मिली राशि को वह सही उसे उपयोग नहीं कर पा रही। देखिए, वे अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लगातार इस प्रकार की बयानबाजी राज्य सरकार के द्वारा हो रही है। मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए दुर्भाग्यजनक है। कोई चीज अस्पष्ट, एक तो उनके द्वारा आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो केंद्र सरकार उनको नहीं कर रही है। इस राज्य सरकार की अगर आप बात करेंगे, जो जेएनयू कांग्रेस की जो सरकार अभी वर्तमान झारखंड में चल रही है, तो आप मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुनिएगा तो वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया था कि जो केंद्र जो करेगी वही करेगी। लोगों को लाने का मुद्दा हो, यहाँ पर अप्रवासी आ रहे हैं, केंद्र ने रेल दिया, इन्होंने यहाँ पर मिशन रोक रोक के तोड़ तोड़ करके कष्ट दे करके दिया। नतीजा ये हुआ कि लोग सड़कों पर उतर के पैदल और कष्ट से आए। झारखंड राज्य में सत्ता और विपक्ष की भूमिका के बाद नंबर था यहाँ की जनता का। आइए देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। जितना केंद्र सरकार की तरफ से जितना सहयोग देना था वो ऑलरेडी मोदी जी दे चुके हैं। अब राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे जो काम कर रहा है वो उनको खुद देख रहा है। देखे, कोरोना तो पहला चीज झारखंड में है ही नहीं कोरोना। अब मान के चलिए कि बाहर का जो झारखंड का दिया है कमाने के लिए उसको लाया जा रहा है, तो सर्दी खांसी हर इंसान को होता है, 14 जगह पानी पी के आ रहा है, अब उसके लेके सर्दी खांसी हो गया, उसको लेके 14 दिन और लेके डाल दे रहा है। राज्य सरकार जो भी कर रहे हैं केंद्र सरकार से अच्छे कर रहे हैं, इनको जो दिया गया है बहुत अच्छे कर रहे हैं, हमारे ख्याल से आगे और भी अच्छे करेंगे। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज निकाला वो देश में हर एक राज्य को दिया, हमारे राज्य झारखंड को भी दिया, लेकिन झारखंड सरकार इसको सही से हैंडल नहीं कर पाई। बहरहाल झारखंड में 5 लाख से अधिक प्रवासी बाहर से अपने राज्य वापस लौटे हैं और उनके साथ कोरोना पॉजिटिव भी। ऐसे में राज्य में मरीजों की संख्या में तेजी से आई वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि मरीजों के इलाज के लिए आगे आए, लेकिन सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर
ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ऐसे में महज राजनीति सरगर्मी ही बढ़ेगी, जिसका फायदा ना तो राज्य को मिलेगा और ना ही मरीजों को। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।